नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 9 अगस्त दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 9 एजेंडों पर लगी मुहर। राज्य के सरकारी स्कूलों में 75% उपस्थिति अनिवार्य। मनीष कश्यप को पटना सिविल कोर्ट से मिली बड़ी राहत। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निःशुल्क प्राप्त करें चिकित्सकीय परामर्श। बिहार में जल्द भू लगान निर्धारण समेत कई चीजें होंगी ऑनलाइन। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एनएलसी इंडिया लिमिटेड में 850 पदों पर अप्रेंटिसशिप का मौका। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन की ओर से अप्रेंटिसशिप के कुल 850 पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो उम्मीदवार ITI इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा किए हुए हैं, उनके लिए LLC में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। आवेदन प्रक्रिया 7 जुलाई से शुरू कर दी गई है, जो कि 16 अगस्त 2023 तक जारी रहेगी। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तिथियों में NLC इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट www.nlcindia.in पर जाकर आवेदन पत्र भर सकते हैं। इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों ने पदानुसार इंजीनियरिंग डिग्री, संबंधित ट्रेड क्षेत्र में ITI सर्टिफिकेट डिप्लोमा प्राप्त किया हो। अप्रेंटिसशिप पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमा की विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ ले। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 9 एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक की गई, जिसमें कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, जिसमें श्रीमती दादी जी स्नैक्स पटना और AFP मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हाजीपुर को वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई। जैव विविधता परिषद में एक जैव स्थानिक विश्लेषक के पद का सृजन किया गया। राघोपुर और गड़खा में ITI संस्थान की स्थापना के लिए 86 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। वहीं इसके लिए 4,68,00,000 की राशि की स्वीकृति दी गई है। प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना संशोधन नियमावली 2023 को लागू करने की स्वीकृति दी गई है। औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 409,33,00,000 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं 150 करोड़ रुपए की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है। शहरी आजीविका मिशन के तहत सामाजिक जागरूकता एवं संस्थागत विकास क्रियान्वयन के लिए जीविका को हस्तांतरित करने से संबंधित समझौता प्रारूप की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय को जोड़ने वाले निर्माण योजना के पुनरीक्षित प्राकलन 542 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे आचार्य शिव पूजन सहाय के बारे में। आचार्य शिव पूजन सहाय का जन्म आज ही के दिन 1893 को हुआ था। यह एक प्रसिद्ध हिंदी और भोजपुरी उपन्यासकार, संपादक और गद्य लेखक थे। इन्होंने कथा साहित्य के साथ साथ आधुनिक रुझानों को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। उनका ग्रंथ माता का आंचल CBSE पुस्तक में भी छपा हुआ है। उन्होंने 1924 में लखनऊ में प्रेमचंद्र के साथ माधुरी का संपादन किया। 1926 से 1933 तक काशी में प्रवास और पत्रकारिता तथा लेखन। 1934 से 1939 तक पुस्तक भंडार लहेरिया सराय में संपादन कार्य किया। 1939 से 1949 तक राजेंद्र कॉलेज छपरा में हिंदी के प्राध्यापक रहे। राजेंद्र कॉलेज छपरा में 10 सालों तक वह हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष थे। इस दौरान उनकी कई रचनाएं प्रकाशित होती रही। स्वतंत्रता के बाद शिव पूजन सहाय बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के संचालक तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक शोध समीक्षा प्रधान त्रैमासिक पत्र के संपादक थे। 1960 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अररिया में चिड़ियाघर के निर्माण को लेकर 300 एकड़ जमीन की गई चिन्हित। बिहार के अररिया में चिड़ियाघर के निर्माण को लेकर जिले के रानीगंज इलाके में 300 एकड़ जमीन को चिन्हित किया गया है। बता दें कि इस जमीन पर कुल 250 करोड़ रुपए की लागत से चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा। वहीं यहां पर विजिटर्स के लिए 10 किलोमीटर का ट्रैक भी बनाया जाएगा। बता दें कि इसके बारे में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चिड़ियाघर निर्माण को लेकर DPR तैयार कर लिया गया है और उसे देश की राजधानी दिल्ली में स्थित सेंट्रल जू अथॉरिटी को भेज दिया गया है। ऐसे में अगर DPR पर इस माह स्वीकृति मिल जाती है तो अगले माह से इस पर काम करना शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि जू के निर्माण को लेकर रानीगंज वृक्ष वाटिका की बाउंड्री कर दी गई है और साथ ही 2 गेट का भी निर्माण कर दिया गया है। इस जू में लोगों को बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाने वाली है। वहीं जू के जानवरों के इलाज के लिए रानीगंज में 4 एकड़ जमीन पर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा 2 मंजिला एनिमल हॉस्पिटल का निर्माण किया जाने वाला है। राज्य के सरकारी स्कूलों में 75% उपस्थिति अनिवार्य।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा स्कूलों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति को लेकर राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों के एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्कूलों में अब छात्र छात्राओं की उपस्थिति 75% अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। बता दें कि पत्र में दिए गए निर्देश के अनुसार 75% उपस्थिति का शपथ पत्र सबसे पहले छात्रों को दिया जाएगा और फिर वह शपथ पत्र अभिभावकों को दिया जाएगा, जिसमें उन्हें लिखना होगा कि मेरे बच्चे नियमित तौर पर विद्यालय जा रहे हैं। अगर विद्यालय में उनकी उपस्थिति 75% से कम होती है तो उन्हें बोर्ड एग्जाम से रोका जाता है या अन्य प्रोत्साहन राशि या छात्रवृत्ति भी रोकी जाती है, तो उसके जिम्मेदार हम होंगे। बता दें कि अब इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में वही छात्र छात्रा शामिल हो पाएंगे जिनकी उपस्थिति उनकी कक्षा में कम से कम 75% होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह परीक्षा देने से वंचित रह जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें अन्य राज्य सरकार के किसी योजना का लाभ भी नहीं दिया जाएगा। मनीष कश्यप को पटना सिविल कोर्ट से मिली बड़ी राहत। बीते दिन पटना सिविल कोर्ट में पेशी होने के बाद मनीष कश्यप को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि कोर्ट की ओर से मनीष कश्यप को तमिलनाडु मामले में बेल दे दी गई है और साथ ही बिहार के जेल में रहने की अनुमति भी दी गई है। मालूम हो कि मनीष कश्यप दिए गए आदेश के अनुसार बेउर जेल में रहने वाले हैं, वहीं अब उनकी तमिलनाडु में पेशी वीडियो कॉल के माध्यम से होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनीष कश्यप के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई टीम के द्वारा 4 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसमें से 2 मुकदमे को लेकर बीते दिन मनीष कश्यप को पटना सिविल कोर्ट में पेश किया गया था, जिसमें उन्हें तमिलनाडु के मामले में कोर्ट की ओर से बेल दे दी गई, जिसमें उन्होंने मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल किया था। वहीं दूसरा मामला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर अपमानजनक शब्द कहे जाने को लेकर पुराने वायरल वीडियो से जुड़ा है, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की ओर से मनीष कश्यप को बेउर जेल में रहने को कहा गया है। ये टिप्स अपना कर रहे साइबर सुरक्षित। इन दिनों बिहार में साइबर अपराध से जुड़े मामलों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साइबर ठग धीरे धीरे अपना पांव काफी फैलाने लगे हैं। ऐसे में हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम साइबर सुरक्षित रहें और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखें। हम आपको बता दें कि आप कुछ टिप्स को फॉलो करते हुए साइबर सुरक्षित रह सकते हैं। बता दें कि बिहार सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार साइबर सुरक्षित रहने के लिए अनजान लिंक पर क्लिक न करें, अनजान ईमेल न खोलें, किसी के साथ अपनी निजी जानकारी साझा न करें, सिस्टम सेटिंग्स मजबूत करें और सार्वजनिक वाईफाई इस्तेमाल करते वक्त सावधानी बरतें। बता दें कि साइबर धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतों के लिए अपने नजदीकी साइबर थाने में संपर्क करें या साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे थावे मंदिर के बारे में। थावे मंदिर भारत के बिहार राज्य के गोपालगंज जिले के थावे में स्थित है। मां शक्ति के कई नाम और स्वरूप है। भक्तगण उन्हें कई रूपों में कई नामों से पूजते हैं। मां थावे वाली उनमें से एक है। पूरे भारत में 52 शक्ति पीठ है, यह स्थान भी उनमें से एक है। ऐसा कहा जाता है कि मां अपने अन्य पवित्र स्थान कामरूप असम से यहां आई है, जहां उन्हें मां कामाख्या के रूप में जाना जाता है। मां को सिंहासनी देवी रहसु भवानी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में एक कहानी काफी प्रचलित है। गाँव में एक पुराना किला है, लेकिन किले का इतिहास अस्पष्ट है। हथवा के राजा का वहां एक महल था, लेकिन अब यह एक पतनशील अवस्था में है। हथवा राजा के निवास के पास देवी दुर्गा को समर्पित एक पुराना मंदिर है। मंदिर के घेरे के भीतर एक अजीबोगरीब पेड़ है, जिसके वानस्पतिक परिवार की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। मूर्ति और वृक्ष के संबंध में विभिन्न किंवदंतियां प्रचलित है। चैत्र के महीने में सालाना एक बड़ा मेला लगता है। खसरा व रूबेला उन्मूलन के लिए होगा टीकाकरण। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह के द्वारा राज्य के सभी सिविल सर्जन को निर्देश देते हुए कहा गया है कि राज्य में खसरा और रूबेला पर प्रभावी नियंत्रण और उन्मूलन के लिए टीकाकरण दिया जाएगा। इसके लिए अलावा सघन मिशन इंद्रधनुष के हर चक्र में मिजल्स व रूबेला के टीकाकरण से संबंधित बच्चों को भी टीके के दोनों डोज दिए जाएंगे। बता दें कि इस बारे में नियमित टीकाकरण के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा कहा गया है कि दिसंबर 23 तक मिजल्स तथा रूबेला के उन्मूलन का लक्ष्य है। यह निर्णय लिया गया है कि दिसंबर 23 तक मिजल्स और रूबेला के दोनों खुराक के आच्छादन को 95% से अधिक करना है। इसके लिए प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। मगध विश्वविद्यालय के डिग्री पार्ट 3 के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी। अगर आप भी मगध विश्वविद्यालय के स्नातक 2019-22 के सत्र के हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। बता दें कि विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक तृतीय खंड की परीक्षा को लेकर परीक्षा प्रपत्र और शुल्क जमा करने की तिथि जारी कर दी गई है, जिसके तहत छात्र अपने महाविद्यालय में 8 अगस्त से 16 अगस्त तक परीक्षा प्रपत्र और शुल्क जमा कर सकते हैं। वहीं विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा प्रपत्र और शुल्क जमा करने की तिथि महाविद्यालय में 17 से 21 अगस्त तक निर्धारित की गई है, जबकि विश्वविद्यालय में परीक्षा प्रपत्र और शुल्क जमा करने की तिथि बिना
शुल्क के 18 अगस्त तथा विलंब शुल्क के साथ 23 अगस्त तक निर्धारित की गई है। इसके अलावा व्यवसायिक कोर्स में सत्र 2021-24 के प्रथम खंड, सत्र 2020-23 के द्वितीय खंड, जबकि सत्र 2019-22 के तृतीय खंड की परीक्षा के लिए परीक्षा प्रपत्र एवं शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय में 8 अगस्त से 14 अगस्त तक और विलंब शुल्क के साथ 16 अगस्त से 19 अगस्त तक निर्धारित की गई है। वहीं विश्वविद्यालय में 17 अगस्त तक और विलंब शुल्क के साथ 22 अगस्त तक निर्धारित की गई है। बिहार में जल्द भू लगान निर्धारण समेत कई चीजें होंगी ऑनलाइन। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा के द्वारा दक्षिण बिहार के भूमि अर्जन पदाधिकारी की बैठक में यह निर्देश दिया गया है कि बिहार में बहुत जल्द ही भूमि लगान निर्धारण, बकास्त भूमि का रहतीकरण, नीलाम पत्र वाद के काम को ऑफलाइन मोड से बदलकर ऑनलाइन में तब्दील कर दिया जाएगा। इसके साथ ही राजस्व और भूमि सुधार विभाग के द्वारा सभी DCLR को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह कम से कम सप्ताह में 2 दिन कोड जरूर करे। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन समीक्षा की विभागीय स्तर से की जाएगी। मालूम हो कि फिलहाल बिहार में म्यूटेशन अपील BLDR एक्ट के तहत की जाने वाली सुनवाई ऑनलाइन, जमाबंदी में सुधार जैसे कार्य ऑनलाइन किए जा रहे हैं। वहीं अब बहुत जल्दी अन्य कार्यों को भी ऑनलाइन कर दिया जाएगा। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा ने सनी देओल को लेकर कहा ये। बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे और एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के भाई लव सिन्हा गदर 2 में एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वहीं अपने इस एक्सपीरियंस को लेकर लव सिन्हा के द्वारा TV9hindi.com के साथ बातचीत करते हुए शेयर किया गया है। इस दौरान उन्होंने सनी देओल को लेकर भी अपनी बातें कही। उन्होंने कहा कि हमें सनी देओल जैसे लेजेंड से ही एक्टिंग सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लेजेंड से एक्टिंग नहीं सीखेंगे तो फिर किससे सीखेंगे। टिकटॉक से तो सीखना नहीं मुझे। उन्होंने कहा कि सनी सर हर एक्टर को सपोर्ट करते हैं। मैंने एक दो बार देखा है कि सनी देओल ने हमारे साथ काम करने वाले एक्टर को मोटिवेट किया है। आमतौर पर कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सनी सर ऐसे नहीं है। मुझे नहीं पता एडिटिंग टेबल पर मेरे किरदार की लेंथ कितनी रहेगी, लेकिन मुझे अनिल सर के साथ काम करना था, उत्कर्ष जैसे अच्छे एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर करना था। मैंने इन अच्छे लोगों के साथ काम किया, शानदार अनुभव लिया और अब मुझे आगे बढ़ना है। हालांकि अमीषा पटेल के साथ मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया है, लेकिन इस फिल्म में सनी देओल के साथ मेरे कुछ सीन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निशुल्क प्राप्त करें चिकित्सकीय परामर्श। अगर आप भी उन लोगों में आते हैं जिनका घर अस्पताल से काफी दूरी पर है और वहां तक पहुंचने के लिए आपको काफी लंबा सफर करना पड़ता है, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि अब आप घर बैठे ही चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टेली मेडिसिन की शुरुआत की गई है, जो कि सुदूरवर्ती ग्रामीण जनता के लिए वरदान साबित हो रही है। बता दें इसके तहत आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य उपकेंद्र पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी ANM से संपर्क कर चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबके अलावा इसमें सबसे खास बात यह है कि आप यह चिकित्सकीय परामर्श बिल्कुल निशुल्क ले सकते हैं, यानी कि आपको इसके लिए पैसे चुकाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। हालांकि यह सुविधा लोगों को सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मिलने वाली है। सर्जरी अधिक जानकारी या शिकायत दर्ज करने के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क किया जा सकता है। मधुबनी, दरभंगा, सुपौल और सहरसा जिलों में बारिश के आसार। बिहार में मौसम पिछले कुछ दिनों से बदला सा है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में इन दिनों बारिश हो रही है और बारिश जैसे आसार जताए जा रहे हैं। इधर मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार 9 अगस्त को प्रदेश के उत्तरी भाग के जिलों में एक या दो स्थानों में मेघ गर्जन होने की संभावना है। साथ ही मधुबनी, दरभंगा, सुपौल और सहरसा जिलों में एक या दो स्थानों में अति भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं किशनगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 10 अगस्त को लेकर जारी अपडेट में यह बताया गया है कि प्रदेश के उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व के जिलों में एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना है। वहीं अररिया, पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा और किशनगंज जिलों में एक या दो स्थानों में भारी बारिश की संभावना है। पटना विश्वविद्यालय के चारों हॉस्टल को खोलने का मिला आदेश। बीते दिन पटना विश्वविद्यालय के हॉस्टल को खोलने को लेकर एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें कुलपति, पटना कॉलेज के प्रिंसिपल, कुल अनुशासक DSW के साथ छात्र नेता मोहम्मद अलकमा अली शामिल रहे। बता दें कि यह बैठक इनके नेतृत्व में लगभग 2 घंटे तक चली, जिसमें यह तय किया गया कि पटना विश्वविद्यालय के चारों हॉस्टल को खोला जाएगा, लेकिन हॉस्टल के फॉर्म में 2 हॉस्टल को चुनने का विकल्प होगा, जो आने वाले 1 से 2 दिन में पटना विश्वविद्यालय के पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। बता दें कि इस निर्णय के बाद छात्र नेताओं के द्वारा इन छात्रों को धन्यवाद दिया गया जो इसके लिए प्रदर्शन कर रहे थे।
जर्मनी के राजदूत से मिले तेजस्वी यादव। बीते दिन मंगलवार को बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जर्मनी के राजदूत डॉक्टर फिलिप एकरमैन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा हुई। वहीं सबके अलावा तेजस्वी यादव के द्वारा उन्हें बिहार की संस्कृति से भी रूबरू कराया गया। बता दें कि इस बात की जानकारी खुद तेजस्वी यादव के द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी गई है, जिसमें उन्होंने अपनी मुलाकात की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और साथ ही कैप्शन में लिखा है कि जर्मनी के राजदूत डॉक्टर फिलिप एकरमैन से मिलकर खुशी हुई। भारत में जर्मनी के राजदूत ने बिहार की संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राजनीति, सामाजिक न्याय के साथ समावेशी विकास, पटना के गंगापथ मरीन ड्राइव के अंतर्राष्ट्रीय मानक के विकास और द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के तरीकों पर विचार का आदान प्रदान किया। बिहार की जेलों की क्षमता 49,019 कैदियों की, बंद है 57,751। बिहार में कुल 59 जेल है, जिसमें से 17 जेल ऐसे हैं जहां कैदियों की संख्या क्षमता से 1.5 से 3 गुना अधिक है। वहीं बाकी के जो बचे शेष 42 जेल है उनमें कैदियों की संख्या मानक से अधिक है, जिससे कि जेलों की मॉनिटरिंग में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार के 59 जेलों में कैदियों की क्षमता 49,019 है, लेकिन जेल में कैदियों की संख्या 57,751 है, जिनमें पुरुष कैदियों की संख्या 55,316 तो वहीं महिला कैदियों की संख्या 2,435 है। मालूम हो कि जेल में बंद कैदियों की संख्या के आधार पर सुरक्षा और मॉनिटरिंग को ध्यान में रखते हुए अलग अलग जोन में विभाजित किया गया है, जिनमें रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू और व्हाइट जोन है। ऐसे में बिहार में रेड जोन में कुल 7 जेल है, तो वहीं ऑरेंज में 10, ग्रीन में 13, ब्लू में 6 और व्हाइट जोन में कुल 23 जेल है। वीटीआर के आदिवासियों के उत्पाद अब पहुंचेंगे विदेश। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वीटीआर के जंगलों में बसे आदिवासियों के बनाए आनंदी भुजा व डलिया मौनी जैसे हस्तशिल्प उत्पाद अब देश विदेश में अपनी छाप छोड़ेंगे। बता दें कि इसके लिए केंद्रीय वन मंत्रालय के द्वारा उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए योजना बनाने का काम किया जा रहा है, जिसके तहत सबसे पहले थारू आदिवासियों के हस्तकला से निर्मित उत्पादों की ब्रांडिंग की जाएगी। मालूम हो कि बीते 29 जुलाई को केंद्रीय वन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे की नजर जब वीटीआर के आदिवासियों के हाथों से निर्मित उत्पाद पर पड़ी तो वो गदगद हो गए, जिसके बाद उन्होंने मौके पर ही कहा कि इसकी पहचान बनाने के लिए ब्रांड तैयार किया जाए। लोकसभा में सीएम नीतीश को लेकर निशिकांत दुबे का बड़ा खुलासा। बीते दिन लोकसभा में सत्ता पक्ष की तरफ से सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी समेत अन्य विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि मैं इस बात को काफी गंभीरता से कहना चाहता हूं कि जब 2005 में जेडीयू की सरकार नहीं बनी तो रामविलास पासवान जी की आवश्यकता पड़ गई, तो मीटिंग दो जगह हुई, जिसमें एक पत्रकार के घर पर हुई जिसका मैं नाम नहीं बोलना चाहता, तो वहीं दूसरी मीटिंग मेरे घर पर हुई। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि जेडीयू को अगर किसी ने सबसे अधिक फंड कराया है तो उसमें अगर 2-4-5 आदमी होंगे तो उसमें एक नाम निशिकांत दुबे का भी होगा। आप मेरा विरोध नहीं कर सकते, मैं ये बातें बड़ी गंभीरता के साथ ऑन द फ्लोर हाउस के अंदर कह रहा हूँ। नहीं विश्वास हो तो अपने मुख्यमंत्री से पूछ लीजिएगा। लोकसभा चुनाव से पहले वीआईपी के इन नेताओं को मिली नई जिम्मेवारी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी की ओर से भी चुनाव को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी को देखते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी की ओर से पार्टी के कई नेताओं को नई जिम्मेवारी सौंपी गई है। बता दें कि संबंध में सूची भी जारी कर दी गई है, जिसमें राष्ट्रीय सचिव के रूप में ब्रजकिशोर सिंह और वरुण विजय के नाम शामिल है, तो वहीं राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में शिव बच्चन प्रसाद नोनिया और चंद्रदेव बिंद को है। वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में भूगेंद्र सहनी और विनय सिंह निषाद के नाम शामिल है, जबकि आफ्ताबुर रहमान को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मनोज राम को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। वहीं ऋतुराज पांडे, डॉक्टर चंदन यादव, अशोक कुमार यादव, सुनीता सहनी और निलाब कुमार को प्रदेश उपाध्यक्ष, महेंद्र महलदार को प्रदेश महासचिव की तथा लक्ष्मण सिंह यादव, गांधी चौधरी, समरेंद्र महादुर सिंह और ब्रह्मदेव मुखिया को प्रदेश सचिव की जिम्मेवारी सौंपी गई है। इसके अलावा सीमा कुशवाहा और सुनीता सहनी को बिहार महिला प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष तथा सुषमा पासवान एससी एसटी प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। सांसदी बहाल होने के बाद राहुल गांधी को मिला उनका पुराना बंगला। एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा में सदस्यता बहाल होने के बाद हाउसिंग कमेटी के द्वारा उन्हें उनका पुराना बंगला 12
तुगलक रोड का बंगला फिर से आवंटित कर दिया गया है। मालूम हो कि राहुल गांधी ने उस बंगले को बीते 22 अप्रैल को खाली कर दिया था जब उनकी सांसदी चली गई थी, लेकिन अब उन्हें वह बंगला मिल चुका है और अब वह बहुत जल्दी अपने पुराने बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे। वहीं राहुल गांधी के द्वारा अपना पुराना बंगला पाने के बाद एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। मालूम हो कि राहुल गांधी अपने इस बंगले में बीते 19 सालों से रह रहे थे। वहीं बंगला खाली करने के दौरान उन्होंने कहा था कि सच्चाई की जो भी कीमत वो चुकाएंगे, इसके लिए वो हमेशा तैयार है। जनता ने मुझे घर दिया था लेकिन छीन लिया गया। अमेरिका के सड़कों पर दिखा सर जडेजा का स्वैग, वीडियो वायरल। इन दिनों भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा छुट्टियां मनाने के लिए अपने परिवार के साथ अमेरिका गए हुए हैं। ऐसे में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे अमेरिका की सड़कों पर जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मालूम हो कि रविंद्र जडेजा मुकाबला गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं। हालांकि उनकी यह वीडियो कुछ फैंस को पसंद आई तो कुछ को नहीं, क्योंकि उनका यह कहना है कि टीम इंडिया हार झेल रही है तो वहीं जडेजा डांस कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वीडियो में रविंद्र जडेजा महफिल लूटते नजर आ रहे हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। मुंबई में 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के साथ करो या मरो का नारा देने के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 50 समर्थकों के साथ गिरफ्तार किए गए। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में मलाया में जापान की मदद से इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। रूस की राजधानी मास्को में परमाणु हथियारों के परीक्षण प्रतिबंध संधि पर 1963 में हस्ताक्षर करने वाला पहला भारत देश बना। भारत और सोवियत संघ ने 1971 में 20 साल की अनाक्रमण संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत पाकिस्तान मैत्री संधि पर 1971 में हस्ताक्षर हुआ। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को 1996 में भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान चुना गया। संसद ने 2000 में मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी दी जिससे एक अलग छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का रास्ता साफ हुआ। भारतीय प्रतिनिधि मंडल के समर्थन से मलेशिया के सांस्कृतिक मंत्री व सांसद मोहम्मद सफी अर्दाल को 2008 में राष्ट्रकूट संसदीय संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय सेना ने 2012 में परमाणु हमला करने में सक्षम अग्नि 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। बंगाल ने 2010 में पंजाब को हराकर 11 साल बाद संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता जीत ली। उपन्यासकार शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 को हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कन्नड़ भाषा के प्रमुख साहित्यकार विनायक कृष्ण गोका का जन्म 1909 को हुआ था। भारतीय अभिनेता महेश बाबू का जन्म 1975 को हुआ था। भारतीय फिल्म अभिनेत्री हंसिका मोटवानी का जन्म 1991 को हुआ था। हिंदी के साहित्यकार अभिमन्यु अनंत का जन्म 1937 को हुआ था। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध गद्यकार उपन्यासकार व्यंग्यकार पत्रकार मनोहर श्याम जोशी का जन्म 1933 को हुआ था। आज के दिन को भारतीय क्रांति दिवस अथवा अगस्त क्रांति दिवस, नागासाकी दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन स्मृति दिवस और विश्व आदिवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वायरल में आज हम बात करेंगे नेशनल मदरसा बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे नेशनल मदरसा बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि नेशनल मदरसा बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन दावा करता है कि वह मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से जुड़ा है और मदरसा शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह संगठन भारत सरकार से संबंध नहीं है। ऐसे वेबसाइटों पर कभी भी व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा न करें। व्हाट्सएप ग्रुप्स चैट्स को और मजेदार बनाने के लिए मेटा ला रही ये फीचर। व्हाट्सएप ग्रुप चैट्स में आपको जल्द वॉइस चैट का ऑप्शन मिलेगा। फिलहाल कंपनी इसकी टेस्टिंग कर रही है जो कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है। वॉइस चैट को कोई भी ग्रुप पार्टिसिपेट शुरू कर सकता है और ग्रुप के अंदर मौजूद लोग इसे किसी भी वक्त ज्वाइन कर सकते हैं। यदि चैट शुरू करने के बाद सब इसे लीव कर देता है तो 60 मिनट के बाद ये अपने आप कट हो जाएगी। यानी अगर कोई इसे खुद खत्म नहीं करता है तो ये अपने आप एंड हो जाएगी। इस फीचर की मदद से ग्रुप्स के लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। इस अपडेट की जानकारी व्हाट्सएप के डेवलपमेंट पर नजर बनाए रखने वाली वेबसाइट WA बीटा इन्फो ने शेयर की है। वॉइस चैट फीचर के तहत केवल 32 लोग ही इसमें ऐड हो सकते हैं। ये फीचर किन ग्रुप से मिलेगा? इस फीचर का फायदा ये है कि कोई भी व्यक्ति बिना सामने वाले व्यक्ति के फोन को रिंग किए वॉइस चैट शुरू कर सकता है और लोग एक के बाद एक नोटिफिकेशन को देखकर इसमें ऐड हो सकते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपा करके यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस पोर्टल शुरुआत किया है?
ऑप्शन ए डाक कर्मयोगी पोर्टल, ऑप्शन बी स्टडी इंडिया पोर्टल, ऑप्शन सी राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, ऑप्शन डी परीक्षा संगम पोर्टल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्टडी इंडिया पोर्टल। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य में शुभ यात्रा योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केरल। अगला सवाल, हाल ही में किस योजना के तहत केंद्र सरकार ने पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशन को शामिल किया है? ऑप्शन ए एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऑप्शन बी रेल कौशल विकास, ऑप्शन सी राष्ट्रीय रेल योजना, ऑप्शन डी अमृत भारत स्टेशन योजना। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अमृत भारत स्टेशन योजना है। अगला सवाल, बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा है? ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी संथाली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उर्दू। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? ऑप्शन ए 8.9%, ऑप्शन बी 10.47%, ऑप्शन सी 11.3%, ऑप्शन डी 14.42%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 11.3%। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विकास दास, कमलेश शर्मा, भान प्रकाश मौर्य, ए एस दिनेश, उमेश ऋषिदेव, सदुल्लाह पलवी, सरोज कुमार भारती, राजीव कुमार, पंकज कुमार दास, अतीक खान, राजकिशोर मतो, मोहम्मद सकीर हुसैन, संतोष कुमार चौरसिया, दीपेंद्र कुमार, रंजीत मिश्रा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से बारिश की क्या स्थिति है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।